So going to get the vaccine, really excited. And the only reason that I'm getting the vaccine is because I have a medical condition. मेरी किडनीज का सबको पता ही है आजकल क्या चल रहा है. So yeah, because of that reason, मैंने किससे बात की थी आगे. उन्होंने बोला कि okay, if you have a medical condition, तो we can take it as an exception. So yeah, I'm getting the first dose. Just came back from the vaccination. अभी लगा के आया हूँ घर पे. कोई pain नहीं feel हो रहा है. ठीक है guys, get yourself vaccinated if you can. मैंने अपने ताईजी को call करके पूछा था कि मैं vaccine लगवा सकता हूँ. तो वो वहाँ पे volunteer थे, तो उन्होंने बोला हाँ लगवा सकते, ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे जाके देखा इतने सारे youngster थे, इतने ज्यादा यंगस्टर पहले से ही. तो गया वहां पे लिया टोकन, देन तुम बैठते हो, हर सीट को वो सैनिटाइज करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, डोंट यू वरी. और इवन जिस जगह मैं गया वहां तो चाय भी थी. वहां पे डॉक्टर भी बैठा था एक, हु विल असिस्ट यू इफ यू हैव लाइक एनी डाउट और एनीथिंग. द फीमेल डॉक्टर जिसने मुझे वैक्सीन लगाई, उसने मुझे सब कुछ बताया. सबसे पहले उसने मुझे बताया कि ये कोविड शील्ड है, आपको 45 दिन बाद दूसरा शॉट लगेगा. उसके बाद उसने बताया कि क्या क्या मुझे हो सकता है. उसने बताया कि डिजीनेस हो सकती है या एक दिन फीवर हो सकता है, वैसे मोस्टली नहीं होता. सर उसने मुझे वैक्सीन लगाई, लिटरली वैक्सीन फील भी नहीं हुई, सिरिंज फील भी नहीं हुई. उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो भरा एंड मुझे मैसेज आ गया कि आप रजिस्टर हो चुके हैं. वहाँ पे डॉक्टर भी था कि अगर तुम्हारा कोई डाउट है कि या तुम्हें कुछ फीवरिश फील हो रहा है, तो ही वॉज देयर टू हेल्प यू. उसने मुझे बताया कि दी ओनली मेडिसिन यू कैन टेक राइट नाउ इज पैरासिटामोल, एंड ओनली टेक दिस मेडिसिन अगर फीवर हो, अगर फीवर ना आए तो डोंट टेक इट. सो आई वाज लाइक ओके. देयर वेटेड देयर फॉर 30 मिनट्स एंड देन उसके बाद हम चल पड़े. सो यस, दैट वॉज द एक्सपीरियंस. बाकी मैं दूसरे दिन बताता हूँ कि कोई चीज फील हो रही है कि नहीं. वैसे आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, कुछ नहीं फील होगा. कोविड शील्ड काफी अच्छी वैक्सीन है एंड कोवैक्सीन भी बहुत अच्छी वैक्सीन है. तो मैं जो भी लग सके लगवा लो. उधर जाके कोई चॉइस नहीं होती, पहले मैं बता दूं कि तुम बोल सको कि कौन सी है कौन सी नहीं. वो बस तुम्हें ये बता देते हैं कि तुम्हें कौन सी लगाने लगे हैं वो. सो यस, दैट इज इट. आई होप यू अंडरस्टैंड. कल मैं बताता हूँ कैसा फील हो रहा है. वैसे आई होप अच्छा ही फील होगा. क्या ही है, कुछ फील नहीं हो रहा भाई, कुछ पता भी नहीं लग रहा है. यहाँ पे लगी भी थी. चलो ओके, मिलते हैं कल. बाकी देखिए निशान दिख रहा है, रुको मैं डोले श्रिंक कर दूंगा वीडियो के लिए ताकि फ्रेम में आए. ये श्रिंक किया हुआ है, निशान दिख रहा है कहाँ लगा था. फील भी नहीं हो रहा ना, एक तो फील भी हो रहा होता तो भी पता होता, पर फील भी नहीं हो रहा है. तो यस, कल बताते हैं कैसा फील हो रहा है. कोई फीवरिश फील नहीं हो रहा अभी तक मुझे. आई एम लाइक फुल ऑफ एनर्जी एंड आई एम गोना प्ले फीफा नाउ. ओके बाय. सो यस गाइस, इफ यू गेट अ चांस टू गेट वैक्सीनेटेड देन प्लीज डू. इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. हेलो, हाउ आर यू एंड सोसाइटी एज वेल. ठीक है. और एक तो मैंने ट्वीट कर दिया, उसमें सारे लिखे जा रहे हैं लगा दी चिप, लगा दी पैच, हम ना वो मोदी प्रोडक्ट है क्वेश्चन मार्क. सो हाँ, दूसरे दिन वैक्सीन से फीवर हो जाता है एंड अगर तुमने इसे हाथ उठाओ तो दर्द होता है जहाँ पे टीका लगा. दैट इज समथिंग हैपेंस. सो कल रात बहुत मन काला हो गया था, देन पैरासीटामोल लेनी पड़ी. देन सुबह उठा एंड दोबारा थोड़ा फीवर था, देन दोबारा पैरासीटामोल ली. तो अब थोड़ा ठीक हो गया है, आई कैन स्पीक राइट नाउ, सो दैट इज गुड. शायद यही सजेशन दूंगा सबको कि एक साथ पूरी फैमिली मत लगाना. ठीक है, एक वीक का गैप रख लेना दो दो बंदों में, ताकि यू नो यू कैन हेल्प ईच अदर. क्योंकि जिनको लगी है मोस्ट ऑफ देम विल फील वेरी डिजी. अगर सबको लगी हो तो खाना कौन बनाएगा है? कौन एक दूसरे को सर्व करेगा. सो आई वुड से कि एक हफ्ते गैप में यू नो थोड़े थोड़े फैमिली मेम्बर्स को लगवा लो दो पार्ट्स में, तो थोड़ा इजी हो जाएगा. बाकी मेरे में आज इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं कैमरा उठा लूँ. एंड एक और चीज़ होती है कि हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स के हाथ में दुख रहा है, जैसे ऐसे हाथ ऊपर करो, यहाँ जहाँ इंजेक्शन लगा उस पॉइंट में दुखता है. बट इट इज़ वेरी नॉर्मल, एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं. सो एज पर स्टेटेड एवरीवेयर 48 आवर्स के बाद ठीक हो जाता है. सो आई विल अपडेट यू गाइज टुमारो. ओके, एंड मुझे वैक्सीनेशन के बारे में ही पता लगा कि दो डोज क्या होती हैं. तो पहले टाइम में दे विल गिव यू हाफ शॉट ऑफ कोई भी कोवैक्सीन या कोविशील्ड का. एंड सेकेंड टाइम में दे विल गिव यू फुल शॉट. तो जब वो फुल शॉट देंगे तो थोड़ा ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होएगा और उस टाइम में भी फीवर होगा. तो पहले इसलिए देते कम की ताकि बॉडी थोड़ा यू नो यूज टू हो जाए. बाकी आई विल लेट यू नो गाइज 48 आवर्स बाद कैसे होता है. बाय, गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड इफ यू गेट अ चांस. ओके यस, मी आफ्टर टेकिंग फर्स्ट वैक्सीन ऑफ कोविड फीलिंग डिजी.
बाकी हाँ, एक सर्टिफिकेट भी मिलता है व्हेन यू गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है, तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आता है, यू कैन गो टू द ऐप एंड वहाँ पे अपना आधार कार्ड एंड ओटीपी भर के यू कैन सी योर सर्टिफिकेट, एंड तुम्हें वो भी दिख जाता है कि तुम्हें अगली वैक्सीन कब लगानी है, उस डेट का विंडो भी दिख जाता है। बस मुझे समझ नहीं आया कि सर्टिफिकेट में मोदी जी की फोटो, ठीक है, आई एम नॉट सैड, आई एम हैप्पी कि मोदी जी मेरे वैक्सीन के सर्टिफिकेट में है, आई जस्ट विश वो ऐसे कर रहे होते। ओ यार भाई, सर्टिफिकेट में क्यों भाई कौन फोटो करवाता। अरे मोदी जी, अरे यार, कोई तो अपॉर्चुनिटी छोड़ दो अपने आप को प्रमोट करने की। अरे इमेजिन तुम्हारे आधार कार्ड में मनमोहन सिंह जी की भी फोटो होती, ऐसे करते। दैट वुड हैव बीन सो फकिंग वियर्ड। ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, आई स्टिल गॉट द सर्टिफिकेट, आई एम हैप्पी, थैंक यू मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बट इट्स सो फनी मैन, व्हाई डू यू नीड योर फोटो। टुगेदर वी विल डिफीट COVID-19। ओके जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एंड ये क्यू आर कोड भी मिलता है, ये मैं प्रॉबली ब्लर कर दूंगा, पता नहीं तुम मेरे क्यू आर कोड का क्या करोगे। सो हाँ, क्यू आर कोड भी सबको एक डिफरेंट मिलता है। मोस्ट ऑफ द जगह तुम जहाँ जाते हो शेड्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इवन तो तुमने शेड्यूल भी कराई हो फिर भी तुम्हें करवाना पड़ता है, बट कई जगह शेड्यूलिंग चलती है। सो आई वुड से गेट योर सेल्फ शेड्यूल्ड। बाकी कई जगह शेड्यूलिंग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, पता नहीं, तुम चल जाओ वैसे भी लगा दे रहे हैं टोकन दे के। सो आई वुड से स्टिल गेट यू नो शेड्यूल्ड। बाकी गाइज, मेरी चिप लग चुकी है, यू कैन ट्रैक मी ऑन आयोग्य सेतु ऐप एंड कम मीट मी। ओके, कोविड वैक्सीन Day 3 अपडेट, फीवर इज ऑल गॉन, ठीक है, नो मोर फीवर एनी मोर, एंड बाजू की पेन इज लाइक नाउ 80% गॉन, 20% है अभी भी, अगर ऐसे ऊपर उठाते हैं यू स्टिल फील। तो यस, गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, ओके, ठीक है। सो एक दिन फीवर रहता है, एक दिन लगती है लंका, बट कई लोगों की वो भी नहीं लगती, मेरे भाई की नहीं लगी लंका, मेरी लगी, मॉम की लगी थी, बट बाजू में पेन तीनों को हुआ, तीन मतलब कि अभी तक है सबको थोड़ा थोड़ा ऊपर करने पे। तो हाँ, बाकी एक सजेशन कि पूरी फैमिली एक साथ जाके वैक्सीनेशन मत लगवा लेना, बैच में लगवाना, बट अगर मिल रही है तो आई वुड से एट दिस टाइम यू नो व्हाट, लगवा लेना साथ में भी, बहुत बुरा हाल है देश का, लगवा लो भाई। और फर्स्ट टाइम लगता है हाफ शॉट और दूसरा टाइम लगेगा फुल शॉट सेम ही वैक्सीन का। कई लोग बोलते हैं कि दूसरा शॉट नहीं मिलेगा, दूसरा शॉट नहीं बन रहा, सेम ही शॉट लगता है, पहले टाइम हाफ लगता है, दूसरे टाइम फुल शॉट लगता है, चाहे कोई भी वैक्सीन हो दोनों में से। ओके, दैट इज इट फॉर द वीडियो, गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, यस। बाकी मैं जा रहा हूँ गाइज। Day 3 अपडेट, अभी बाजू पर करो, दुख रहा है, ठीक है, बट ये पता नहीं कब तक जाएगा, बट स्टिल गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, फीवर सारा जा चुका है। ओके, यस, ओके, बाय।